में पढ़ के मूर्ख हैं जो ज्ञानी कहते नहीं, चाह चतुरों की उपवास हो जाती है जिगर में जो इच्छा वो पाते नहीं। एक नगर में चतुर चोर पांचों थे भाई, नीत प्रतिदिन छोरी में रहते दीवाना। एक सकल के रहे पांचों पहचान में, रूप एक सा मगर उसमें था एक काना। पांच भाई चोर अलन बताव गई, सकल सूरत पांचों का एक समान। ओकरा में छोटा का तनिका एक किसिम का रहल, यानी कान रहल। वही गांव के बगल में एक सेठ जी रहत रहलन, जिनकर एकलौती एक लड़की रहल। ये प्रतिदिन चोरी कर पांचों अपने के बहुत बहुत विद्वान लगाव के हमको बहुत चतुर है, निक निक घर में सेन मार के लिया ली ले जा पानी। एक दिन पहुंचना सेठे जी का घरे लइकिया, जब आवाज पोलस कलस बाबू चोर त आ गइल सन। जब चोर आ गइल सन त लइकिया बतौलस बिरह में तर गइल बाबा। अरे चल जनी झार के टेढ़ी मांग फार के, चल जनी झार के टेढ़ी मांग फार के, कहियो न लफड़ बड़ी अरे हो जाई दुदेहिया। ऐसे देखैबू हो अरे तमहुआ पर मार हो जाई दुदेहिया, ऐसे देखैबू हे महुआ पर मार हो जाई। लेकिन हई लईकी बतावत हियो बाबूजी से रतिया सुन के बोली बतिया, बाबूजी से रतिया सुन के बोली बतिया, छोरावन के आइल बा जमाना बाबूजी। तो डर से टंगले बानी हो अरे कोठा पर खजाना बाबू, बाबू कहला ठीक कैलू बिटिया छोरवा सुनला सन की अहल ले मूरख कोई होई नहीं। तो बिरह में तर्ज बदल गेल बाबा, अरे लई किसे भेद पाई गईल पाचू भाई की चढ़ गईल, आहा चढ़ गईल पाचू कोठावा पे जाई की चढ़ गईल पाचू कोठावा पे। पाचू चोरवा कल सना बोहर जैला के जितना सीधे कोठावे पर चली चला की जाई के कोठा पर चढ़ गिन सन। तब मधुमक्खी छाता ऊपर पड़ली नजरिया, आ जानी के खजाना, अरे जानी के खजाना खींचे लगले अनरिया, जानी के खजाना अनरिया। अरे मिलल ना खजाना कटे मखीर सी आई के छोड़ गई, आहा छोड़ गई पाचो कोठावा पे जाई की चढ़ी गई ले। आई हो दादा कोठा पर जाकर सुन हो मर्दे बहुत बड़ गठरी लौकता, चल चल धाई के खींचना सन तोले मधुमक्खी का छत्ता लगल मधुमक्खी रिसिया के सन राज कोनो के यहां काटे तो यहां काटे तो यहां काटे भगे 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 कर सन अब आज चोरी नहीं कल जी तैयारी केना सन दू सरकार दिन कर सन चला। तब जब कुलहा कब सूजन तनी कम भयल आंख मुंह फुलम, चार पांच दिन के बाद सूजन कम मिले चल चल। आ जब चलना हम मास्टर साहब गीत बदल गई, निदिया में सूतल पाई गोइले पांचो भाई, धोके चल दी हले ओ धोके चल दी ह तो कन्हैया ऊपर चार पाई, धोके चल दी ह वाला सोचे बची कैसे पनिया, धाई के बा
रो हझूली गईली बबुनिया। बरो के पेड़ जब नीम टूटल बा धके झूलल कुछ दूर गईल खटिया कनवा कहत भयवा। तोहन के समझ में ना हो तो खटियावा हल्लुक लगत ही है। सुन तार उतार उतार लैकी है ये ना हा। पेड़ पर बरो का धई के झूलल बिया गई ना सन मास्टर साहब वो पेड़ तले तब बिरहा में टेरी लिखल गई। अरे चतुराई में खटाई पड़ गई तुरते छोर लवट के पेड़ तले गया। अरे हाँ पेड़वा के नीचे अला सन समय ताकत हो तो कनवा एक आंख ऊपर कैल तो साई हो दादा ये बिया ये बिया कबे का लुकाइल हिया तार लुकाइल भूलो आवत है। कहलस कि बोला कनवा तिखार मन बतिया हमार हमसे कोई ना होशियार दिलदार मितऊ नीचे बैठा पांचो भाई हम ऊपर चढ़ जाई। कनवा पहुंचल लैकिया इशारा कलस से हो हम तोहरे से मोहब्बत करीला। कनवा कलस तो हमसे मोहब्बत कर मोहब्बत करीला तो कनवा कहता कि कैसे मोहब्बत करूँ। लैकिया कहता कि तनी जिभिया निकाला हमरा मुँह में डाला ना कहते पहले तू डाला उ तनकी जीव डललस अपन इज्जत बचावे का तरीका तनकी जीव डाल के निकालस कलस रगुआ डालनी न तो मेहरारू कैसा ना दहा कि कैसनो मरद रही पिघली न जाई। अब उ डललस हवकाई के कि कमेंट जो हवकाई के डललस तले कनवा का जीव करलस कनवा पेड़े पर से नीचे। अब जब पेड़े पर से नीचे गिरल जितना चारू भूत आइल भाग रे चारू चले पराय कनवा बोले जुबान कटल है तो का बोली भाग रे गजब भूत बोला था चले पराय। भागत भागत कुछ दूर गए सन तो मास्टर साहब पहपट लग गए। अरे तो भागे चोर जब दिल में हुए दुखारी चिंता भारी बा। ए भैया भागे चोर तब दिल में हुए दुखारी चिंता भारी बा। आ पीछे पीछे कनवा रहा पुकारी चिंता भारी बा। कुछ दूर जाके चारू भाई राय मिलाव लागे हो आ तब ले कनवा पहुंचल बाट भैया लोग के आगे हो। दरोरो के सुनावे कुल दुखियारी चिंता भारी बा। अब दो चार दिन रेस्ट के ना कहना चल दो चार दिन के बाद योजना बना के लड़की सोचती है फिर ऐसा अल्हा लग गई। ए भैया बाबू से बचनवा आए का बोतल दारू याला मारी में बा। अरे ओही अला मारिया का ताला ना लगावाली ए बाबू भइल भारी गलती गइल हो सवा भूला। चोरावा कहना सुना बे करल सुतार नहीं मिली बहुत तड़पवले वालू बहुत तड़पवले वालू बहुत तड़पवले वालू जा कहना सन पहले अलमरिए में चलो अब इनकी उल्टा पलटी ना पढ़ाई पढ़ा सकेले अलमरिए में कुल होई तो और नहीं तो पहले चलो दारू पियाई। दारू पी के कनवा इशारा करता भैया दाल में काला बा लेकिन कहे के पी के जब चार घंट मलना सन कहना सन यार क्या अरे यार अरे मिलो ना कनवा कलस तब दे दे जाए काद घूट हमहु मार लेही। जब पांचू पियला सन तो जहर वाली शराब पी के पांचू खत्म। सेठ जी परेशान हो गए ना हो दादा तवले संजोग एक भिखारी के भिक्षा नहीं खे मिलल। भिखरिया कल चलो चलो पहुंचल सेठ जी के राती की यहाँ पहुंचल बा। जब सेठ जी के पहुंचल तो कहला सेठ जी सुना हो तो के भिक्षा जिंदगी भर ना मांगे के परी हमारे वो काम कर दे एगो लाश बा एक फेंक आ। सेठवा का बतिया सुन के भिखरिया कलस अच्छा ये काम न राती राती कोई देखी नहीं लेके चलल है ये भैया। जब लेके पहुंचल जब सेठ लेके पहुंचल बा सेठ के बात पर भिखरिया तो एगो के फेंक आइल तो लेके सकल कहो सने गो औरी लिया के भिखरिया आके देखलस कलस आई हो सेठ हम ना फेंकब ई तो बार बार आके सुत जाता। कलरी भाई गजब ही भूत बन के अच्छा ले जा
कलश इतना ले दया करे गो गुड़वा तोड़ दी ए गुड़वा तोड़ के कलश के ढेर बीचा में फेंकम नहीं तो भागई फिर ले जाके नदी में फिर फेंकलस तले सेठ जी गौरी के सामने जी आई दुआरी पर देखा था कहता आई हो बाप बहुत मृतक देखली लेकिन एकरा मत ना देखली चार जानी के हवाला कैलस पांचवा फिर लिया के कह देलन कल सब तू अपन भिक्षा अपन धन अपना पासे रख हम तुहारी मर तक ना फेंक कहे नाही फेंकब तो हल्ला करब कि तू ही मुंह ले हुआ भिखरिया कल सब का करी ये कही का बतिए बा केजन केजन पता नहीं फिर बढ़ जाई कल ठीक है दब मार काट के बोरा में कस के फेंक आई अब ना आई काट बांध के लेके चलने ये भैया धीरे धीरे भोर हरिया भइल बा मौलवी जी अपन नदी में झाड़ी झुंगटी में लोटा लेके बैठल हुए आ तौले ऊपर ले रे 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 जब राय के फेंकलस मौलवी जी चलाए पराए आ जब मौलवी जी भगलन है ये भैया तौनी समय पंधारी वाली बात लिखल गई अरे त देखी के भिखरिया के चढ़ल बची हवा लगल पीटे कहला हाँ हाँ रात भर भागल वाला जाइबो कहा मौलवी जी धोती घिसरावत भागा की लोटा का पानी फेंकल कहा भगबो बहुत रात भर परेशान कर मौलवी कह जाय होता दई कोना के मारे तोरा मातिन भूत ना देखनी चल चल भाग भाग पूरा गांव में लखेदत हो गांव के आदमी जुटल है भाई मौलवी बाबा के बड़ा परेशान के लिए है ई भिखारी गांव के आदमी परेशान हुआ काहे हो काहे तो ऐसा नहीं बात बस सेठ जी पहुंचला कहने के मार के मुआई बड़ी रात भर परेशान कैले बना आखिर ए भैया सेठ जी सारी बात बताए जितना सौदा तय था दिए आखिरकार एक लड़की अपने दिमाग के चलते अब उसका दिमाग काम किया अपनी आबरू बचा ली अपना धन संपत्ति बचा ली पांचों चोर मारे गए विराहक आखिरी भाव गुरुपत्तु गुरु छैबर कह गए करनी के फल पाए काशी बुल्लू सुखनंदन सिंह मनवा में मुस्काए अरे चतुराई में खटाई पड़ गई चतुराई में खटाई पड़ गई दीवाना चंद्रबली के कविता रस बरसाई चतुराई में खटाई पड़ गई बहुत बढ़िया रुआ गीत गौनी अब देरी ना करब सरोज सरगम जी के मंच पर बुलाएंगे करा पहले लेवे के पड़ी छोटी मुकी ब्रेक ब्रेक एक बार फिर से हुआ सबके बहुत बहुत स्वागत महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल टू में सरोज सरगम जी ओम प्रकाश दीवाना जी दोनों लोग अपन अपन गीत सुनावल हरुआ सब सुनतानी हम जज साहब लोगन से निवेदन कर रहल बानी अपन अपन नंबर रहुआ सबे कैसन लोग गवले बा ओकरा के लिख ले हम पूछत नहीं की आज ये बिरहा दंगल में जो कलाकार साथी लोग आइल बा उमें से कुछ लोग बिरहा दंगल के शो के छोड़ के जाई लो तो सबसे पहले हम बागी घराना से कलाकार लोग से निवेदन कर रहल बानी कि आप लोग मंच पर आई हमार बागी घराना के कलाकार लोग बा हम विनती कर रहल बानी विद्रोही घराना के कलाकार लोगन से कि वो एक एक करके मंच पे आ जाएं रुवा सभी के देख के ऐसा लगा था विद्रोही घराना के सरदार जज साहेब बाहरे वो ओहरे बा तई बागी घराना से के जाई आज हमार घराना के गवैया एकदम चौचक हुआ
जोश बा, जज्बा बा, केहू ना जाई, केहू ना जाई, मन करे तो बागी घराना से भेज दे आठ आदमी के। तब विद्रोही घराना के जज साहब अभी भी माने का तैयार नहीं खन, जाई केहू तो खाली बागी घराना के लोग जाई, विद्रोही घराना के लोग रही है जा। ऐसा मानना हमारा विद्रोही घराना के जज साहब सुरेंद्र जी के बा, बागी घराना के सरदार परशुराम जी रुआ कुछ कही। बागी घराना कभी कलाकारन में ऊ दम बाम, हम खुलेआम कहत हई कि बागी घराना का जितना कलाकार बाणन उ यह दंगल में रहे लायक बाणन, अगर जाए लायक बाणन तो विद्रोही घराना का कलाकार जाए लायक बाणन। दुगो जज साहब लोग दुगो घराना पर अपना अपन कमर कस के बैठल बा लोग, केहू हिले के तैयार नहीं के, अपना अपना घराना पर पूर्ण विश्वास बा कि हमारे घराना के केहू ना जाई। निष्पक्ष जज की कुर्सी पर बैठल बने रुआ सब कलाकार राउर हो, राउर अंतर मन से कहीं का लगता? महाभारत के युद्ध में भीष्म के कहे जाएगी बाण पसूत के युद्ध देख सकना, लेकिन आत्मा से केहू के ना जाए के। अगर भेजे के है कौनो कलाकार के ना भेज के हमके भेजता। निष्पक्ष जज की भूमिका निभावत हो कभी जी, गला रौंद गए कहतरन की भेजाई के बाद तो हमारा के भेजा लोग, हमार एको कलाकार ऐसा नहीं खन कि दंगल के छोड़ के जांच, लेकिन जाए के पड़ी। सबसे पहले बागी घराना के कलाकार नंदलाल जी, आप इस शो में हुआ बरकरार हुआ पहुंचल हुआ कि जात हुआ, तो हमके ही बता दो। एंगर साहब, हमें अपने कर्म पर, अपने गायकी पर पूरा का पूरा भरोसा है, और हमें विश्वास है कि हमारे न्यायाधीश उचित न्याय हमारे पक्ष में जो दिए होंगे होंगे, यही हमारी सोच है। सुरक्षित हो नंदलाल, सुरक्षित हो। तब बागी घराना की ओर से नंदलाल रवि जी की रुआ सब सुरक्षित रख ले बनी। अब हम चलता नहीं फिर अपना कलाकार लोग के पास। का हाल बहु? अरे सीता, सीता सांवरी भैया सुदई, का कहता है? भारत विश्व गुरु और धर्म गुरु था और है और रहेगा। हम अपने न्याय को अपने तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जज के सामने भेज दे रहा हूं। प्रणाम। कहो गुलाब, सुरक्षित बना ना? सुरक्षित है बनी, इनके विश्वास है कि हम रह। कहो डॉक्टर साहब। मैं अनजान हूं, लेकिन विश्वास है कि मैं रहूंगा। वाह वाह, के जाई के रह जाई, इरेवा सब देख रहा मानी, बड़ा दुख का घड़ी है। हमू नहीं चाहत कि क्यों जाओ, लेकिन जाएगी तो पड़ी, काहे कि फैसला रुआ सबके बा। मीरा तनि है नहीं बु, का मन कहता? हमार तो मन कहता कि हम बानी। मीरा जा अपने सीट पर बैठ गए। बालचंद भैया तो ही बात नहीं, तो क्या लगा था? हम अपने ढंग से परीक्षा दिए हैं और परीक्षा का फल जो निकलेगा वो इसे स्वीकार किया जाएगा, और क्या? कोई ऐसा तो नहीं कि हम तो लगता है कि मैं पास हूं। क्या बात है, तू पास हुआ तो क्या लगा था? तो जा तब पास हुआ तो बैठा जाएगा खड़ा हुआ। एकर आंख बड़ा भर ले हो जी, आई भी तेन ऊपर तक, ऊपर तक, ऊपर तक करते हो यहाँ भी रहा गाँव के है, तुहार विदाई ना बहनी। उषा मंगेशकर का पहले से तू जानते हो कि तू जाते हो?
तूने बोला था जी। तू पहले अपना आंसू पोछ। जस आप लोगों का गोड़ धर ये जैसे हाथ जोर। तू सुरक्षित है उमोचल है। सुदाई रेवा यहाँ का मान तुहार सुरक्षित हुआ तू? आत्मा भी है कहता हनुमान तो है नहीं सीना भाई दिखाई दे। आत्मा ये कहता कि हम पास हैं। पास हुआ तो यहाँ कहाँ जा? नाम नीलम है ना? साड़ी उड़ी पहर के भी गावत रहल। मन का कहा था सेफ बचल हो कि ना? हमार तो मन यह करता कि हम सेफ है। देख के बतावत है तुहार मन कहा था ना सुरक्षित बाड़ू तू? सरोज सरगम अभी अभी गीत भी सुन लिया सब का लगत बताओ कि सुरक्षित हो कि ना? हम गाना अच्छा नहीं गाए। हम गाना अच्छा नहीं गाए। जा भाई जा जा सुरक्षित हो जा। पंचदेव बाबा यहाँ आइबा का मन कहा था सुरक्षित बाड़ा? सो रहा है ना सुरक्षित? बाप रे बाप देख के बताओ थे। हम देख के अब अरे वह सबका राय अरे वह सबका ओट जज साहब लोगों का मार्किंग खुल के मिलावत नहीं। रानी सुरक्षित बनी रुवा सुरक्षित बन। अरे अरे गिर जाए भाई। सीता यहाँ अब आई है। सीता तू बिरह का है ना याद करे लीजिए। वो कमी के हम दूर करे चाहे वो कमी के दूर कर ले भी पक्का मेहनत मेहनत कर बू तब जा बैठ जा सुरक्षित हो। डॉक्टर साहब आप आपके आपके यहाँ के खड़ा करो लिया। आपका स्थान वहां है आप यहाँ क्यों खड़े हैं? काम तो ठीक रहा एक काम से वो काम गड़बड़ाल भाई में जो हमारी रिपोर्ट मिले ले। ओम प्रकाश दीवाना भी सुरक्षित मो अपने स्थान पे। यहाँ बहुत लड़ाई कांटे का बा टक्कर ऐसन बा कि चक्कर में अरुआ सबे पड़ गेल बानी हमहू धर्म संकट में पड़ गेल बानी। ममता यहाँ बा रजनी है ने आवा ममता के बिरहा दंगल में आप लोग सोचते हैं रोक दिया जा कि रजनीगंधा के रोक दिया जा हमारो फैसला नहीं ले पावत लेकिन रोके के पड़ी एक जना के चाय के पड़ी एक जना के। ममता जी तो से रजनीगंधा का नंबर आगे बा सुरक्षित बड़ी सुरक्षित बड़ी। सवितनी है मंच पे आई विशाल चंद भैया अफसोस है सफर बिरहा दंगल का यही जो रुक गया। नीतू जी महिमा जी छोटे लाल जी गुलाब जी सुषमा सरगम जी और ममता गौरव जी आप लोगों का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहे। दुलार भी मिलल प्यार भी मिलल
आगे जे बचल बा देखल जा कि कब तक उ लोग सुरक्षित रहेला। मन बनौले रही, देखत रही, हम तैयार बनी। तो बाकी घराना और विद्रोही घराना के घराने में बैठल कलाकार लोग अपने अपने स्थान पर विराजमान बा। अब ये दुख के घड़ी से, दुख के महफिल से हम निकलल चाहतानी, उबरल चाहतानी, रउआ सबका प्यार लेहल चाहतानी, अलविदा होखल चाहतानी। कहे कि अब इसे ज्यादा बोझ ना बर्दाश्त हुई। नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि, सब बखैर।